एमिटी यूनिवर्सिटी सिर्फ एक यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट नहीं, हमारे लिए बिल्कुल एक परिवार की तरह है। एमिटी जो कि एक बहुत रिनॉन्ड यूनिवर्सिटी ऑल ओवर इंडिया, उसका एस्टैब्लिशमेंट रांची में होना, ये हमारे लिए बहुत बड़ा लकी है और वी आर प्राउड टू बी एन एमिटी। फैसिलिटीज दैट वी गेट हियर आर वर्ल्ड क्लास एंड आई एम प्राउड टू बी एन एमिटी। सपनों और ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए जरूरी है उम्मीद, एक उम्मीद जो आगे बढ़ने का हौसला दे, जो तकदीर से परे भविष्य संवारने की हिम्मत दे। अमिटी यूनिवर्सिटी झारखंड यहाँ युवाओं के बीच एक उम्मीद की किरण बनकर उभर रही है। सिर्फ एजुकेशन हमारा मकसद नहीं, एक जो जेनरेशन का निर्माण, एक अच्छे सुसंस्कृत जनरेशन का निर्माण है, एक क्रियाशील प्रोडक्टिव प्रगतिशील जनरेशन का जो निर्माण है वो हमारा मकसद है। साल 1999 में डॉक्टर अशोक कुमार चौहान ने एमिटी यूनिवर्सिटी ग्रुप की नींव रखी। पिछले दो दशकों में डॉक्टर अतुल चौहान और डॉक्टर असीम चौहान के योग्य नेतृत्व से एमिटी यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के बीच हब ऑफ डाइवर्सिटी बन रही है। एमिटी का एक ऑब्जेक्टिव है जो हमारे एक फाउंडर प्रेसिडेंट जो है डॉक्टर अशोक के चौहान सर, उनका एक विजन है कि इंडिया में हर स्टेट में एक एमिटी यूनिवर्सिटी जरूर होनी चाहिए, क्योंकि इस कंट्री ने हमारे को बहुत कुछ दिया है लेकिन हम क्या दे रहे हैं इस कंट्री को। बेस्ट थिंग दैट वी कैन गिव बैक टू द कंट्री इज द क्वालिटी एजुकेशन। बहुत बड़ा फैक्टर जो एमिटी जहाँ पे एज लेता है वो है ह्यूमन वैल्यूज, वैल्यू बेस्ड एजुकेशन। जिस तरह से आजकल वर्ल्ड चेंज होता जा रहा है, ऑटोमेशन आती जा रही है, डिजिटल इंडिया क्या डिजिटल वर्ल्ड होता जा रहा है, लेकिन एक ह्यूमन बीइंग्स को क्या चीज़ डिफर करती है वो करती है ह्यूमन वैल्यूज, एक वैल्यू बेस्ड सिस्टम, बिहेवियरल साइंस जिसको हम बोलते हैं। तो एमिटी में हर बच्चे के लिए हर प्रोग्राम में बिहेवियरल साइंस पढ़ना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज एज अ ह्यूमन हमें नहीं भूलना चाहिए हमारी वैल्यूज क्या है टुवर्ड्स अवर एल्डर्स, टुवर्ड्स अवर सोसाइटी, टुवर्ड्स अदर ह्यूमन बीइंग्स। एक कैंपस से 191 कैंपस और एक छात्र से 1.5 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स का सफर, आज अमिटी यूनिवर्सिटी छात्रों और अभिभावकों के बीच काफी लोकप्रिय है। अमिटी यूनिवर्स हैज ऑलरेडी मेड इट्स इंपैक्ट इन द एकेडमिक एरिना इन सच अ बिग मैनर दैट इट already has almost 7,000 to 8,000 faculty members teaching in its banner. It has now 10 universities under one banner and 10 universities in 10 different areas doing so well that we have almost 700 patents under our pocket. Bihar and Jharkhand students as it is will do everything to get educated, to get shaped, and Amity was providing that opportunity in Noida, and therefore an opportunity came in wherein the government of Jharkhand invited Amity to come over to Jharkhand, and Ranchi was the place where we were invited. And Amity University Jharkhand in its just 2 years of time has already made an impact. AUJ spots the right candidate and believes in making that ordinary student to an extraordinary student with values and culture. We assure quality education with high-tech facilities and values, cultures at your own city. A campus जहां students को पढ़ाई के साथ दूसरे क्षेत्रों का सही exposure मिलता है, हुनर को सवारने की आजादी मिलती है, एक ऐसा कैंपस जो स्टूडेंट्स के लिए यादगार बन जाता है। हम सबको पता है जर्नलिज्म एक ऐसा फील्ड है जो क्रिएटिविटी से रिलेटेड है, इससे बड़ा वर्ल्ड में कोई क्रिएटिविटी हो नहीं सकता जहां पर लोग एक सब्जेक्ट को पढ़कर अलग अलग स्ट्रीम्स में जाने की कोशिश करते हैं। आज हमारे बच्चे इस लायक हो गए हैं, फर्स्ट ईयर पढ़ने के बाद सेकेंड ईयर में है और इस लायक हो गए हैं, वो इंडस्ट्री रेडी है, वो आज एक अच्छे
राइटर हो सकते हैं, एक अच्छे फिल्म मेकर बन सकते हैं, एक अच्छा एंकर बन सकते हैं, उनके पास वो सारी खूबी है जो आज की डेट में किसी इंडस्ट्री में होनी चाहिए। उनको हम रेडियो स्टेशन, टीवी चैनल्स, उन सारी जगहों पर लेके जाते हैं जहां पर उनको वो सारी चीजों का ज्ञान मिल सके, नॉलेज मिल सके, एक्सपीरियंस मिल सके, एक्सपर्टीज मिल सके, ताकि जब वो जॉब के लिए, एक्चुअल जॉब में, जो कि बहुत मुश्किल होता है हम सब जानते हैं, जब वो एक्चुअल जॉब के लिए मार्केट में जाएंगे तो उनके हाथ खाली ना। हम लोगों का जहाँ तक अचीवमेंट्स का बात है तो एमिटी में एक हमारा अपना एक मोटो है कि हम लोग सीखते हैं यहाँ पे, वी डोंट केयर अबाउट विनिंग और लूजिंग, वी रादर केयर अबाउट लर्निंग थिंग्स एंड प्रोड्यूसिंग चैंपियंस आउट हियर इन एमिटी। मैं अपने डिपार्टमेंट की बात करूँ, एस्को, एमिटी स्कूल ऑफ कम्युनिकेशन, तो हमारे डिपार्टमेंट से हमने सभी स्टूडेंट्स ने बहुत काफ़ी कम समय में काफ़ी कुछ किया है। अगर हम संगठन की बात करें तो हमारी रिपोर्टिंग हुई, हमारी खुद की मीडिया टीम है, हम प्रेस रिलीज लिखते हैं, प्रेस रिपोर्ट होती है, हमारी डॉक्यूमेंट्री शूटिंग भी होती है, और अगर मैं अपनी बात करूं तो हमारी ऑनलाइन मैगजीन में पब्लिकेशंस भी हैं, और नेशनल सेमिनार, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में हमने हाल फिलहाल में कलकत्ता और चक्रधरपुर में पेपर भी प्रेजेंट। एमिटी यूनिवर्सिटी झारखंड सिर्फ एक शिक्षण संस्थान ही नहीं, एक सुखद अनुभव बन रहा है। हमारी टीम जो है पूरे झारखंड में, हर एक डिस्ट्रिक्ट में, कोशिश यही है कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में जाके हम लोग बहुत सारे इवेंट्स कंडक्ट कराते हैं, कैरियर काउंसलिंग्स होती हैं, सेमिनार्स और वर्कशॉप्स स्टूडेंट्स के लिए ऑर्गेनाइज़ करते हैं, प्लस स्टूडेंट्स को हम लोग इन्वाइट भी करते हैं हमारे कैंपस विजिट्स के लिए, और हम बहुत सारे मीडिया के लोगों से भी हम लोग जुड़े हुए हैं, उनके थ्रू भी हम लोग बहुत सारे स्कॉलरशिप टेस्ट वगैरह भी ऑर्गेनाइज़ करते हैं, ताकि झारखंड के कोने कोने में इन्फॉर्मेशन पास हो सके कि एमिटी यूनिवर्सिटी झारखंड हमारे यहाँ रांची में जो कैंपिंग है, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोग प्रोवाइड किए हैं, ताकि स्टूडेंट्स, झारखंड के स्टूडेंट्स हमारे यहाँ पे, मतलब अपनी फ्यूचर यहाँ पे हमारे यूनिवर्सिटी में बना सके, और यहाँ से मैक्सिमम जो माइग्रेशन जो होता है झारखंड से बाहर की तरफ, उसको मिनिमाइज किया जा सके। वी आर प्रोवाइडिंग आवर स्टूडेंट्स रिसर्च बेस्ड स्टडीज थ्रू फील्ड विजिट्स, इंडस्ट्री विजिट्स, सेमिनार्स एंड क्लब एक्टिविटीज। इन दिस डायरेक्शन वी हैव रिसेंटली फॉर्म्ड ए क्लब कॉल्ड चाणक्या क्लब। 16 मई 2016 को झारखंड विधानसभा से एमिटी यूनिवर्सिटी झारखंड विधेयक पारित हुआ। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में ग्लोबल क्वालिटीज के साथ एमिटी यूनिवर्सिटी झारखंड में 16 अलग अलग कोर्सेज हैं। केमिस्ट्री डिपार्टमेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू, वी हैव ऑलरेडी ऑर्गेनाइज्ड वन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन मटेरियल साइंस, एनर्जी एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एंड केमिस्ट्री डिपार्टमेंट हैज गॉट 130 lakhs वर्थी प्रोजेक्ट from Government of India, Department of Science and Technology, and the students are also working in that project. इस यूनिवर्सिटी का शानदार सफर 450 स्टूडेंट्स के साथ शुरू हुआ, लेकिन आज यहाँ 900 से ज्यादा स्टूडेंट्स हैं। अभी हमारे पास BBA में 220 बच्चे हैं। हमारा जो BBA का करिकुलम है वो इंडस्ट्री के रिक्वायरमेंट्स को ध्यान में रखते हुए बनाया जाता है, एंड टाइम टू टाइम वी कीप ऑन अपडेटिंग द सिलेबस एंड द करिकुलम डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट्स इन द इंडस्ट्री। इफ यू आर कीन फॉर योर स्टडीज, दिस इज द राइट प्लेस वेयर यू कैन शेप योर फ्यूचर। दिस इज रैगिंग फ्री कैंपस विच इज सिचुएटेड इन द हार्ट ऑफ द सिटी, वेयर वी प्रोवाइड 360 डिग्री अपॉर्चुनिटीज फॉर एजुकेशन एज वेल एज अनफोल्डिंग योर पोटेंशियल। एमिटी यूनिवर्सिटी झारखंड में स्टूडेंट्स को तकनीकी ज्ञान से जोड़ने पर जोर दिया जाता है। यहाँ स्मार्ट क्लासेस के जरिए एक साथ एमिटी के सभी सेंटर्स को जोड़कर स्टूडेंट्स पढ़ाई कर सकते हैं। रिसर्च और इनोवेशन जैसे जरूरी विषयों पर भी फोकस किया जाता है। We are engaged into lot of research and publications. Till date, being a very young university, we can boast of the fact that we have a close to 100 publications for both our broad streams of engineering as well as management. Academic से हटकर एमिटी यूनिवर्सिटी झारखंड में स्टूडेंट्स के लिए अलग से पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लासेस चलाई जाती हैं। इससे न सिर्फ स्टूडेंट्स का आत्मविश्वास बढ़ता है, बल्कि उनकी लीडरशिप और टीम वर्क जैसी क्वालिटीज भी संवरती हैं। We have a very vibrant and enthusiastic student community, and we ensure that along with academics, they are involved in a lot many other activities, which ensures that they are having a all-round holistic development. A sound mind exists in a healthy body. इसी सोच के साथ यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स की फिजिकल एक्टिविटीज को बढ़ाने पर खास ध्यान दिया जाता है। स्टूडेंट्स खुद को हमेशा फ्रेश महसूस करें, इसके लिए कैंपस में कई तरह के स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज पर जोर दिया जाता है। वी ऑर्गेनाइज एमिफोरिया, व्हिच इज अ ग्रैंड मेगा इवेंट
which helps to provide platform and motivate the students in participation of cultural activities like this. मुझे यहाँ से बहुत अपॉर्चुनिटी मिली है एमिटी यूनिवर्सिटी से, साथ पढ़ाई के साथ यहाँ खेलकूद की भी बहुत अच्छी फैसिलिटीज है यहाँ पे। एमिटी यूनिवर्सिटी झारखंड में अमेज़न पोर्टल के जरिए ट्रांसपेरेंसी रखी जाती है। इसे एक्सेस कर टीचर्स, पेरेंट्स और स्टूडेंट्स समय समय पर खुद का सही आकलन कर सकते हैं। आई एम ऑल्सो लुकिंग आफ्टर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट सेल, जिसमें हम लोग बच्चों को प्रेरणा देते हैं कि वो अपनी बिजनेस स्टार्ट करें। उनको हम ट्रेनिंग देते हैं कि किस तरह से वो स्टार्टअप का जो गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है उसका हेल्प लेते हुए अपना कुछ बिजनेस स्टार्ट कर सकें। हैपनिंग एनवायरनमेंट, एंथुजियास्टिक मैनेजमेंट और पॉजिटिव रिस्पॉन्स एमिटी यूनिवर्सिटी झारखंड की खासियत है। क्लासेस ऑफ मीन्स वी आर इन कैंटीन एंड रेट्स आर रियली ऑसम। हम लोग दिन भर यहीं रहते हैं, सारी फैसिलिटीज है, केक्स एंड ऑल्स की जितने भी बर्थडे पार्टीज होते हैं हम लोग यहीं सेलिब्रेट करते हैं। कैंटीन तो सभी को अच्छा लगता है, क्लासेस से ज़्यादा ही अच्छा लगता है, तो लंच टाइम में या फिर फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट करने हम लोग आ जाते हैं, रेगुलर बेसिस पे ही आते हैं। पारदर्शिता और यहाँ का पारिवारिक माहौल इसे दूसरे शिक्षण संस्थानों से ज्यादा प्रभावशाली बनाता है। 12वीं के बाद कॉलेज सिलेक्शन की चिंता और फिर प्लेसमेंट का डर, एमिटी यूनिवर्सिटी झारखंड स्टूडेंट्स की जिंदगी के इन अहम सवालों पर विराम लगा रही है। आगे देखेंगे कैसे बेस्ट अपकमिंग यूनिवर्सिटी के खिताब से नवाजी गई एमिटी यूनिवर्सिटी झारखंड स्टूडेंट्स की पहली पसंद है। सुरक्षित कैंपस, कुछ समय के लिए क्लासेस और मार्क से दूर, दोस्तों के साथ कैंटीन में बिताया खुशनुमा वक्त और एक्स्ट्रा ज्ञान के लिए लाइब्रेरी का शांत वातावरण। हमारा जो विजन है यहाँ का, ये है हमारे बच्चों को, जो एमिटी यूनिवर्सिटी झारखंड के जो बच्चे हैं उनको देना है अच्छा नॉलेज देना है और गुड राइट इन्फॉर्मेशन देना है, ये हम लोगों का विजन है। दूसरा विजन हम लोग का ये है कि यहाँ पे जो बच्चों को रीडिंग हैबिट्स जो है उसको बढ़ाना है और एक गुड सिटीजनशिप देना है नेशन के लिए। और यहाँ हम लोग का फिजिकल लाइब्रेरी भी है और डिजिटल लाइब्रेरी भी है। हम लोग का जो भी बुक्स का रिक्वायरमेंट होता है हम लोग अपने जो दिल्ली नोएडा है वहाँ से हम लोग का बुक्स वहाँ से प्रोवाइड होता है। और बहुत तरह के हम लोग के बहुत डिपार्टमेंट है, पूरे डिपार्टमेंट्स का हम लोग का बुक्स, सभी तरह के बुक्स हम लोग का यहाँ पे है, जो बच्चों के लिए रिक्वायरमेंट है उन लोगों के सिलेबस के अनुसार सब है। ये बहुत ही अच्छी जगह है, जब भी हमारे टीचर्स कुछ असाइनमेंट्स देते या फिर कुछ डॉक्यूमेंट्स देते बनाने के लिए हम यही आके बनाते हैं। वी हैव प्लेंटी ऑफ बुक्स विच इज रिलेटेड टू आवर सिलेबस एंड जब भी हमारा फ्री टाइम होता है, लाइक जब हमें को असाइनमेंट मिलते हैं तो हम लोग आके यहाँ पे अपना असाइनमेंट करते हैं। माई एग्जाम्स आर ऑल्सो कमिंग सो वी जस्ट मेक आवर ग्रुप्स एंड टू ग्रुप स्टडी। वी यूजली कम हेयर इन फ्री टाइम्स फॉर डूइंग आवर होमवर्क, असाइनमेंट, कंसल्टिंग आवर टीचर्स। They assign us some books for study. So every book according to our syllabus is available on this library. झारखंड जैसे छोटे राज्य में एमिटी यूनिवर्सिटी झारखंड की स्थापना से आज यहाँ के युवाओं को वर्ल्ड क्लास एजुकेशन के लिए मेट्रो सिटीज पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। एमिटी यूनिवर्सिटी झारखंड में 70 से ज्यादा फैकल्टी और 150 से ज्यादा टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ हैं, जो दिन रात स्टूडेंट्स के बेहतर भविष्य के लिए तत्पर है। वी कंडक्ट सेमिनार्स वेरी पीरियडिकली एंड वेरी फ्रीक्वेंटली वी कंडक्ट यू नो सम गेस्ट लेक्चर कमिंग फ्रॉम CSIR लैब्स एंड फ्रॉम IIT आल्सो। जस्ट फ्यू मंथ्स बिफोर वी हैड सम वर्कशॉप दैट वाज हेल्ड ऑन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। यू नो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी इज वेरी इंडिस्पेंसिबल सब्जेक्ट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, दैट इज द कोर एरिया ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। सो वी हैव सम एक्सपर्टाइज, दे केम फ्रॉम IIT दिल्ली, दे कंडक्टेड सम वर्कशॉप्स रिगार्डिंग दैट and hopefully that workshop will give them a better aspect how to go for any industry or from other jobs and career opportunities. Yeah, teachers recruitment ke samay videography ka istemal bhi kiya jata hai. Students ke all round grooming ke liye yahan angrezi ke alawa videshi bhasha jaise Spanish aur French bhi sikhai jati hai. We are in a part of a globe, especially Jharkhand Bihar, jahan par bachcho ke sath ye bahut badi pareshani hai.
कम्युनिकेशंस, इंग्लिश को देख करके उनको बहुत डर लगता है, और एमिटी एक ऐसा एनवायरनमेंट दे रहा है बच्चों को जहां पर हर सेमेस्टर में एक क्रेडिट का, वन क्रेडिट इज कंपल्सरली मेंट फॉर सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग, प्रोफेशनल स्किल डेवलपमेंट एंड बिजनेस कम्युनिकेशन। फील्ड एक्सपोजर के लिए स्टूडेंट्स को देश के कई शहरों में भेजा जाता है। In MIT curriculum, to make our student placeable and to increase their confidence, apart from their domain knowledge, what we do, you provide different other courses like French, behavioral science, English, history, biology for engineers, economics. So our students goes through all these subjects, which will enhance their overall personality. Apart from that, our students frequently visit different industries to learn the application of a particular topic in the industry, how it is applied in the industry. एमिटी यूनिवर्सिटी झारखंड का दावा है कि यहाँ के स्टूडेंट्स को 100% प्लेसमेंट दिया जाता है, जिससे यहाँ के स्टूडेंट्स को सीधा फायदा मिलता है। और जहाँ तक प्लेसमेंट की बात है, ऑल द स्टूडेंट्स आर इंटरेस्टेड इन प्लेसमेंट, अराउंड 80% ऑफ देम आर प्लेस्ड, और अभी भी ऑल कंपनीज आ रही हैं प्लेसमेंट के लिए। अभी तो हमारे कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, तो ऑब्वियस मेरा बीटेक स्ट्रीम रहा है, फिर मैंने एमबीए करा इसीलिए कि कैरियर में कुछ अच्छा कर सकूं, एंड ऑब्वियस एमिटी में आके वो फुलफिल हुआ है। यही नहीं, 12वीं में 93% से ज्यादा अंक लाने वाले स्टूडेंट्स को एमिटी यूनिवर्सिटी 100% स्कॉलरशिप देती है। इसके अलावा 88% से ज्यादा अंक लाने वाले स्टूडेंट्स को 50% स्कॉलरशिप दिया जाता है, और यहाँ 70% से ज्यादा अंक लाने वाले स्टूडेंट्स को 25% स्कॉलरशिप दिया जाता है। As a team, we bridge the students with the industry. The industry experts, they visit our colleges on a regular basis for the guest lecture and all. So along with our faculty members who are part of the core team, we work together as a team. Main aim is to make our students industry ready, so that once the students, they pass out from our college, they are ready to give their 100% in the corporates. भविष्य की जरूरतों को देखते हुए एमिटी यूनिवर्सिटी झारखंड अपने कैंपस का भी विस्तार कर रहा है, जिसमें स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के साथ कई वर्ल्ड क्लास सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। नए कैंपस में स्टूडेंट्स के लिए लॉ और दूसरे कोर्सेज भी उपलब्ध होंगे। सिर्फ 2 साल के इस सफर में एमिटी यूनिवर्सिटी झारखंड का क्वालिटेटिव स्टेटस लगातार बढ़ रहा है। यहाँ के शिक्षकों ने अब तक 60 से भी ज्यादा रिसर्च पेपर्स का प्रकाशन किया है। बेसिकली द मेन वर्क ऑफ आवर एल्गोरिथम वाज दैट टू इंक्रीज द मेजर कॉन्सेप्ट ऑफ द सीपीयू यूटिलाइजेशन एज वेल एज टू इंक्रीज द थ्रूपुट ऑफ द सिस्टम, एंड वी ट्राई टू मिनिमाइज आवर एवरेज वेटेड टाइम एंड टर्न अराउंड टाइम। फॉर दैट वी डिजाइंड एन एल्गोरिथम and compare that algorithm with the other 2 algorithm that was an even odd algorithm and the predefined round robin algorithm, and through that we found that our algorithm was much more efficient with the other 2, and hence our paper was a successful paper for us. 2017 mein MIT University Jharkhand ko best upcoming university ka award diya gaya. We have selected best out of the best candidates who can qualify the MIT standards and can contribute to industry and society in the best possible manner. The teaching in MIT is unique and industry-oriented. We invite industry experts in our board of studies to make our curriculum as per industry requirement. यहाँ के स्टूडेंट्स की बनाई हुई मैं स्त्री हूँ शॉर्ट फिल्म को अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल झारखंड की ओर से बेस्ट स्टूडेंट फिल्म का अवार्ड दिया गया। अमिटी ने हमें एक बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया था, जहाँ की हम लोगों ने अपनी फिल्म तैयार की, जिसका टाइटल था विचक्राफ्ट, एक डॉक्यू ड्रामा था जो कि रियलिटी पे बेस्ड था। वो अभी झारखंड इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में नॉमिनेट हुआ है, और हमारे ही क्लास से, सेम क्लास से एक और भी शॉर्ट फिल्म थी, मैं स्त्री हूँ। ये भी ये जो वुमेन का कंडीशन है, जैसे ट्रैफिकिंग हो रहा है, इतने सारे रेप्स, वो भी उसको कंक्लूड करके हम लोगों ने एक और दूसरी फिल्म बनाई, और दोनों झारखंड इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में प्रमोट हुआ। एमिटी यूनिवर्सिटी का मिशन 2030 तक इंडिया को नॉलेज हब बनाना है। देश के हर राज्य में एक क्वालिटी सेंट्रिक विश्वविद्यालय की स्थापना हो, इसके लिए एमिटी यूनिवर्सिटी हर संभव कोशिश कर रही है। वर्ल्ड क्लास एजुकेशन के साथ झारखंड के हर युवा तक पहुंचना एमिटी यूनिवर्सिटी झारखंड का लक्ष्य है। हमारे ऑनरेबल फाउंडर प्रेसिडेंट का जो स्वप्न है, जो सपना है, उसको पूरा करने में पूरी एमिटी टीम बड़े सफल रूप से उनके साथ है।
उनका सपना है कि 2030 तक भारतवर्ष एक बार फिर से जैसे एंशियंट पीरियड में हम एजुकेशन के हब थे और एजुकेशन शिक्षा भारत से प्रारंभ होता था और भारत में खत्म होता था, वो आज हो जाए, भारत से शिक्षा प्रारंभ हो, भारत में खत्म हो जाए, कोई ऐसी विधा ना हो जहां हम अमिटी का शिक्षण ना दे रहा हो, कोई वैसा एरिया ना हो जहां हमारा रिसर्च ना हो रहा हो, कोई ऐसी जानकारी ना हो जो हमारे बच्चों को नाम मालूम हो, और जो बच्चे हमारे अमेरिका और इंग्लैंड जा रहे हैं पढ़ने के लिए वो उन्हें वहाँ जाने की जरूरत ना हो, वो हर वर्ल्ड क्लास की फैसिलिटी, वर्ल्ड क्लास के टीचर्स उनको पढ़ाएं। We make our student prepare as per the requirement. There is the demand in the industry. Name the technology, we make the student prepare. AmityRanchi Ranchi provided me a unique platform for presenting my ideas, my research topics in international conferences held in different parts of the country. I took part in many conferences held in Kolkata and also in Xavier College, Ranchi. In Xavier College, Ranchi, I presented the idea of Bionic Eye, which is powered by nano generator, and there I was awarded with the best poster presentation award for the in biotech department. MIT Ranchi is providing me chances to present, to come up with this idea, and they are also faculties are guiding me very much so that I can bring this system into real existence. रीजनेबल फीस स्ट्रक्चर और हायर एजुकेशन में कॉन्ट्रीब्यूशन से एमिटी यूनिवर्सिटी झारखंड यहाँ के युवाओं की फर्स्ट चॉइस बन रही है।